नमस्कार, मैं हूं धनश्री। केकेआर न्यूज में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। जबलपुर में पुरानी पेंशन नीति बहाल करने को लेकर केंद्र सरकार और राज्य सरकार के कर्मचारियों ने गोल बाजार में लेकर घंटा घर पदयात्रा निकाली गई। हजारों की संख्या में नई पेंशन नीति परेशान कर्मचारी संख्या में मौजूद रहे। कर्मचारियों का कहना है कि नई पेंशन नीति लागू होने से देश के केंद्र और राज्य सरकार की लाखों की संख्या में कर्मचारी प्रभावित हो रहे हैं। नई पेंशन नीति से रिटायरमेंट के बाद कर्मचारियों का भविष्य खतरे में नजर आ रहा है, जिसको लेकर केंद्र सरकार और राज्य सरकार के कर्मचारियों द्वारा आज जबलपुर शहर में एक पदयात्रा निकाली गई और सरकार से आगाह किया गया है कि पुरानी पेंशन नीति को बहाल किया जाए, जिससे कि कर्मचारियों को भविष्य में मिलने वाली सुविधाओं सही से मिल सके। इस पदयात्रा में खमरिया फैक्ट्री, व्हीकल फैक्ट्री, GCF और राज्य सरकार के कर्मचारी बड़ी संख्या में मौजूद रहे। कर्मचारियों का कहना है कि जिस प्रकार से नई पेंशन नीति को लागू किया गया है और पुरानी पेंशन नीति को सरकार के द्वारा बंद किया गया है, उससे देश के लाखों की संख्या में सरकारी कर्मचारी प्रभावित हो रहे हैं। सरकारी कर्मचारी को रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली पेंशन की सुविधा को सरकार बंद किया गया है, जिससे रिटायरमेंट के बाद कर्मचारियों का भविष्य खतरे में नजर आ रहा है। इसलिए सरकार को जल्द ही पुरानी पेंशन नीति को बहाल करना चाहिए, जिससे कि कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद पेंशन का लाभ मिल सके। जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। आज पुरानी पेंशन को लेकर केंद्रीय कर्मचारियों ने और राज्य सरकार के कर्मचारियों ने एक रैली का आयोजन किया, जिसमें पदयात्रा में हजारों की संख्या में सरकारी कर्मचारी शामिल हुए। जो रैली हमारे गोल बाजार से शुरुआत करके जिसका समापन हमने घंटाघर चौक पे किया, कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देके। मैं सतीन कुमार शर्मा, कामगार यूनियन खमरिया से। धन्यवाद। ऐसे ही खबरों में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।